is a fantastic performance from Nitin, Vivi and his troupe. जानते हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि अभी अपना नया जीवन शुरू कर रहे हैं। अब इस खूबसूरत बच्ची से सुनिए। मैं बहुत खुश हूँ कि जो इतना वो सारी खुशियाँ मिल रही हैं और वो बहुत क्यूट है, बहुत स्वीट है, नितेश भी बहुत स्वीट है, तो दोनों एकदम परफेक्ट कपल हैं, सो मेड फॉर ईच अदर, सो आई एम श्योर वो बहुत खुश होंगे। जी मेरी शादी को तो 22 साल हो गए हैं, तो इतना ज़रूर कहूँगी कि थोड़ा हाथ हमें बढ़ाना पड़ता है तो ही सामने वाला बढ़ाता है, और आज जो ये गठबंधन है तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस समझ के साथ ही दोनों ने एक दूसरे के प्रति हाथ बढ़ाया है। तो चलिए हम उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ज्योत्सना और नितेश, इन दोनों की जोड़ी ऐसे ही सालों साल अपनी खुशियां हमारे साथ बांटती रहे। लड़की की जब शादी होती है तो वो पूरी तरह से नए कल्चर में जाती है, नए लोगों का जाती है, तो वो कैसे एडजस्ट कर पाती है आपकी शादी के बाद? मुझे ऐसे लगता है कि जिस माहौल में हम लोग फिलहाल रह रहे हैं, ज्योत्सना ही शायद नितेश को अपने घर ले आ रही है, क्योंकि नितेश बनारस के है और ज्योत्सना अभी मुंबई की है। शादी के बाद शायद नितेश मुंबई आ जाएंगे, लेकिन हाँ ये बात तो ज़रूर है कि उनके संस्कार, उनके संस्कारों में ढलने की हमारी ज्योत्सना ने भी थोड़ी कोशिश करनी चाहिए, जो वो ज़रूर करेगी। जी एक्चुअली मैं ज्योत्सना को कैसे टिप्स दे सकती हूँ, इनफैक्ट मुझे उसे टिप्स लेने चाहिए, उसकी शादी हो जाएगी तो फिर पहले हो रही है, उसकी पहले हो रही है, तो मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं बहुत मुस्कुरा रही हूँ, उनकी बातें सुन रही हूँ, इनसे भी सीख रही हूँ फ्यूचर के लिए। थैंक यू सो मच। नहीं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं ज्योत्सना जी मेरी तरफ से। हालांकि मैं, हम तो ज्योत्सना को पहले से जानते हैं और जानते हैं कितनी चुलबुली, बिल्कुल अपने कैरेक्टर की तरह खुशी टाइप थी, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हमारी हम सबकी तरफ से। जिस तरह से वो खुशी अपनी पर्सनल लाइफ में चुलबुली से है, जैसे शादी के बाद भी उसकी लाइफ वैसे ही गुजरे। देखिए मैं, मेरे हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ज्यादा एक्सपीरियंस तब करूंगा जब मैं खुद शादी करूंगा, तो फिलहाल अभी तो फिलहाल वक्त है, अभी तो अभी वक्त है। यहाँ के शादी का कुछ रूल रेगुलेशन कुछ अलग होता है, लेकिन गांव की शादी का कुछ अलग ही होता है। ये शादी गांव में हो रही है तो आप लोग गांव में जा रहे हो? देखिए गांव की शादी हो, शहर की शादी हो, शादी शादी होती है, उसका एक अपना ही मजा होता है। तो अब हम शहर में जाएं, गांव में जाएं, हमारा मेन मकसद है कि हम जी खोल के डांस करेंगे, जी खोल के एंजॉय करेंगे। बाकी आज मेनली वो दुश्मन है ससुराल की, तो वो कितना मायने रखता है आप लोग दुश्मन की शादी? देखिए मेरे लिए दुश्मन तो वो 2 साल पहले ही खत्म हो गई थी जब से मैंने शो छोड़ा था। फिलहाल वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो बस दिल से एंजॉय करेंगे, उसको शुभकामनाएं देंगे, आगे भी इंशाल्लाह उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ होता हुआ है। थैंक यू सो मच। मैं इनको बेस्ट विशेष दूंगी और मैं बहुत खुश हूँ ज्योत्सना के लिए। आई होप, आई विश कि वो बहुत खुश है शादी के बाद, और मैं इस बात से भी ज्यादा खुश हूँ कि उसने हमें इनवाइट किया है, बिकॉज हम लोग काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं, हम लोग एंजॉय करने का मौका मिलेगा। हाँ ये तो एक्चुअली वही दोनों बता सकते हैं अल्टीमेटली, बट आई थिंक कि अंडरस्टैंडिंग होगी डेफिनेटली, क्योंकि एक फील्ड में होते हैं तो जो भी पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड के, तो वो बातें दोनों को पता होती है, तो आई थिंक इट्स बेटर। शादी का वो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन कोई शादी के जो शादी के बाद इम्प्लीमेंट करना, या तो लोग सीरियस ज्यादा देखते हैं और आप लोग सीरियस तो करती है, तो कोई खास एक्सपीरियंस जो उनके साथ शेयर करना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं एक देना चाहूंगी, क्योंकि सीरियल में मेरी जब शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड के पास ना वो नहीं था, सर्वेंट्स नहीं थे और कुक्स नहीं थे, तो मैं नितेश को ये टिप देना चाहूंगी कि ज्योत्सना को, ज्योत्सना के हाथों को थोड़ा रेस्ट दे और एक अच्छे से कुक रख ले। नहीं बिल्कुल नहीं, क्यों
नहीं क्या क्या कुक क्या करता है, कुक क्या करता है? ओ प्लीज पत्नी अगर खाना बनाती रहेगी तो काम कब करेगी भाई वो? नहीं एक्चुअली सीरियल और रियल लाइफ में बहुत फर्क है. रियल लाइफ में जितना हो सके उतना म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग पे चलना चाहिए और ट्रस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है शादी से पहले या शादी कंटिन्यू रखना ट्रस्ट. सो आई विश देम रियली गुड लक. ये तो बाद में पता चलेगा. नो कमेंट्स. विशिंग ज्योत्सना एंड नितेश अ वेरी वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ. थैंक यू सो मच. लग रहा हूँ कैसे बधाई देना चाहेंगे ज्योत्सना? अगर हम लोगों को बोलने का मौका देगी तो हम लोग बोलेंगे एक्चुअली खुशी का क्या है, एक्चुअली ज्योत्सना का क्या है कि वो जब शुरू होती है तो एक ही बारी में शुरू होती है. और लकीली अभी वो अंदर तो आज इसलिए हमें मौका मिल रहा है बोलने का मौका मिल रहा है, आप लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है. लेकिन क्या है कि आज सबसे ज्यादा अगर एक्साइटेड है, मतलब होता है ना लोग शादी पे थोड़ा शर्माते हैं लड़कियां, लेकिन उसको नहीं, उसको सिर्फ डांस करना, उसको सिर्फ ये है कि मतलब कौन कौन आएगा और क्या क्या लाएगा. सो रही हम लोगों की बधाई देने की बात, यस वी आर गोना सेलिब्रेट इट. देयर डिफरेंट स्टाइल, एक पैकेज है हमारे पास जो हम उसको देना चाहते हैं. सो लेट्स सी. अच्छा एक सवाल है कि अगर लव मैरिज और ऑरेंज मैरिज में क्या फर्क क्या पड़ता है? क्या लोग कहते हैं लव मैरिज आदमी परेशान होता है? देखिए अगर चॉइस आप ढंग की नहीं करेंगे तो परेशान होंगे. और लव मैरिज में भी आई थिंक मेरे हिसाब से अपने माँ बाप की मंजूरी ले लें तो लव कम अरेंज हो जाती है, जो कि ज़्यादातर सक्सेसफुल होती है. बाकी भाग भाग की शादी करने के मैं फेवर में नहीं हूँ. नहीं एक घर वालों की मर्जी से जो शादी होती है कहते हैं वो बहुत लंबा. नहीं तो जो घर वालों से मर्जी से शादी होती है वो शायद लव मैरिज भी हो सकती है. लड़की को घर वाले पसंद आ गए, घर वालों को लड़की पसंद आ गई, और लड़के को तो लड़की पसंद है क्योंकि लव है, तो वो भी अरेंज ही हो गई और उसमें भी सुख शांति ज्यादा होती है आई थिंक, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग शुरू से हो जाती है अगर आप रिलेशनशिप अच्छा, में. पार्टी में कितना एंजॉय करने वाले हो आपकी बहुत वो अच्छी तो अभी आप देखेंगे. ये सिंगल है तो तू सिंगल है? नो कमेंट. ही सेड नो कमेंट. अच्छा इस पार्टी का संगीत जो है वो मुंबई में है लेकिन प्रॉपर जो शादी है वो यूपी में बनारस है, तो आप लोग बनारस भी जा रहे हो? देखिए अभी तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा बिकॉज हम लोग बैक टू बैक भारद्वाज हाउस की प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे हैं, तो इसलिए बनारस तो नहीं जा पाएंगे. लेकिन हाँ यहाँ पर हम बनारस की कसर निकाल के जाएंगे आज. अच्छा शादी की टिप देना चाहेंगे, शादी के बाद कैसे जीवन अपना? अरे इनकी कौन सी शादी हुई है, ये कैसे टिप देंगे? जी मेरी शो में शादी हुई है, वैसे मैं अभी तक कुंवारा हूँ. लेकिन हाँ मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि फॉर एनी रिलेशनशिप देर शुड बी अंडरस्टैंडिंग एंड कम्पैटिबिलिटी. अगर आप लोगों के बीच कम्पैटिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग है तो रिलेशनशिप स्मूथ हो जाता है. एक दूसरे को स्पेस दीजिए, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की बातों को समझें कि एक ही मुद्दे पर दो आदमी कभी भी गलत नहीं होते और सही नहीं होते. हर मुद्दे का एक अलग नजरिया होता है, तो हर मुद्दे को देखें, सोचें और समझें, रिलेशनशिप स्मूथ. ये इतने सारे डेली सोप में की शादी हुई है ना, वहाँ से सब चीख के चलिए लास्ट आप मिस कर दीजिए. ज्योत्सना विश यू अ वेरी 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 हैप्पी मैरिड लाइफ अहेड. आप दोनों को बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ. आप लोगों का आप लोगों के ढेर सारे बच्चे हों चाबी की तरह बोले. ये भी आशीर्वाद में ये भी होता है. आप लोग आप दोनों की आगे की यात्रा जो आपके साथ है, आप दोनों की एक साथ जो जीवन की यात्रा है वो मंगलमय है और आप लोग एंजॉय करें एंड बी हैप्पी एंड बिकॉज हैप्पीनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी रिलेशनशिप. थैंक यू. और क्या क्या निशानी होती है? एटलीस्ट दो तीन तो होती होगी. शादीशुदा आदमी कैसे बचाना जाएगा? जेंट्स यहाँ पे जितने भी आदमी लोग हैं, जेंट्स लोग हैं, यस आप बताइए कैसे पता चलेगा? क्लीन शेव रहेंगे. मैं तो जबरदस्त एंजॉय करूंगा, फटे एंजॉय करूंगा, क्योंकि कल शूटिंग भी नहीं है वैसे तो, मतलब बात तो बनती है. और यहाँ पे अभी बस थोड़ी देर में संगीत शुरू हो जाएगा तो आप देखिए धमाका होता है क्या. अच्छा अगर शादी की बात करें तो ये लव मैरिज शादी है और एक एक्टर और एक डायरेक्टर
क्या समझ में कितना अच्छा है और कितने दिनों से चला आ रहा है? देख, ये सिलसिला तो चलता आ रहा है, लेकिन बात ये है कि ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है कि डायरेक्टर एंड एक्टर है, और डायरेक्टर जो है वो वाइफ नहीं है। आमतौर पे होता है कि शादी के बाद वाइफ जो है वो डायरेक्टर बन जाती है, लेकिन यहाँ पे हस्बैंड डायरेक्टर है, इसलिए मैं ज्यादा खुश हो रहा हूँ क्योंकि वही डायरेक्ट करेगा फिर आगे। अच्छा, कितने अच्छे दोस्त हैं आपके रितेश और? अब ज्योत्सना मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, नितेश भी इज गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, तो ज्योत्सना के साथ काफी काम भी किया है, सो बड़ी अच्छी पेयर है दोनों की। एंड एक्टर डायरेक्टर तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत अच्छे दोस्त है मेरे भी, और वो खुद भी आपस में बहुत अच्छे दोस्त है। बस मैं आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि यार यहाँ से बस शुरुआत हो जाएगी। देखा आपने म्यूजिक। अच्छा, अगर बात करें तो आपने यूपी की शादी अभी तक अटेंड किया है? यूपी की मैंने बहुत कम शादी अटेंड की है, वैसे आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ज्यादातर जो है पंजाबी मारवाड़ी शादी मैंने काफी अटेंड की है, बाहर जाके भी या यहाँ पे भी, लेकिन यूपी की कम मैंने अटेंड की है, तो मेरे लिए भी एक अच्छी बात है कि यू नो आई मीन यहाँ से एक हो। इवन आई एम प्लानिंग टू गो टू बनारस ऑल्सो उसकी शादी में, लेट्स सी हाउ इट गोज। अच्छा, लास्ट वीस आप कर दिए ज्योत्सना एंड नितेश, विशिंग यू वेरी 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 हैप्पी मैरिड लाइफ एंड एंजॉय द संगीत, बल्ले बल्ले। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं तुझे गाली देनी है, तुझे शराब पीनी है, तुझे एक फ्लर्ट के रूप में दिखाना है, एंड द एक्ट्रेस सिर्फ एक ही चीज पूछती है, आपकी बेटी के लिए होता तो करते हैं ऐसा? एंड द डायरेक्टर सेज यस। उसके बाद हमें मिली तनु वेड्स मनु। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज लेडीज एंड जेंटलमैन। That was a super duper hit movie.